गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम घटाना या सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। तो घटाना या सब्सट्रैक्शन होता क्या है, चलिए हम देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ था। जलपरी ने मछुआरे को 5 सीपियां दी थी। 1, 2, 3, 4, 5 सीपियां, ठीक है। जब मछुआरे ने उन बुजुर्ग के लिए एक जग पानी का वरदान मांगा, तब क्या हुआ? उसका एक सीप गायब हो गया, लेकिन उसे उस जग का पानी मिल गया, ठीक है ना? तो उसके बाद मछुआरे के पास कितनी सीपियां बच गई? 1, 2, 3, 4 हाँ, उसके पास 4 सीपियां बची थी। जब मछुआरे ने नदियों और तालाब को भरने के लिए दूसरा वरदान मांगा, तब क्या हुआ? 4 में से एक और सीपी गायब हो गई। तो अब 4 सीप में से कितनी सीपियां बची? 1, 2, 3 हाँ, मछुआरे के पास अब सिर्फ 3 सीपियां रह गई थी। तो अब 3 में से एक और सीप क्यों गायब हो गई? अब मछुआरे के पास सिर्फ 2 ही सीप बच गई थी। इसके बाद 2 सीप में से एक और सीप सभी खेतों को हरा भरा करने के वरदान में चली गई। आखिरकार मछुआरा एक दयालु आयुर मददगार इंसान था। अब मछुआरे के पास कितनी सीपी रह गई थी? बिल्कुल सही बच्चों, सिर्फ 1 सीप रह गई थी उसके पास। और आखिर में मछुआरे के पास जब सिर्फ 1 वरदान मांगने के लिए 1 ही सीपी रह गई थी, याद है उसने क्या मांगा? उसने बरसात देवता से वह आखिरी वरदान मांगा। तो जब मछुआरे के पास मौजूद 1 भी सीपी में से 1 भी सीपी चली गई, तो उसके पास कितनी सीप बची? उसके पास अब 1 भी सीप नहीं बची थी, उसके पास 0 सीप बची थी। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। 5 सीप, 1 सीप चली गई, 4 सीप बच गई, 4 सीप में से 1 सीप चली गई, अब बची 3 सीप, 3 सीप में से 1 सीप और चली गई, तो बची 2 सीप, 2 सीप में से 1 और सीप चली गई, तो बची 1 सीप, 1 सीप में से 1 सीप चली गई, तो कोई भी नहीं सीप बची, यानी कि 0 सीप बची। तो मछुआरे की एक के बाद एक सीप जा रही थी और उसकी सीपियां कम होती जा रही थी और आखिर में उसके पास 1 भी सीप नहीं बची। लेकिन बच्चों दुखी मत होइए, उसके पास सभी गांव वालों की ढेर सारी शुभकामनाएं थी, है ना? तो जब चीजों को हटाया जाता है या कम किया जाता है, तब हम इसे घटाना या सब्सट्रैक्शन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो घटना यानी कि हमारे पास मौजूद चीजों में से एक या एक से अधिक चीजों का कम हो जाना। 5 सीप, 1 सीप चली गई, 4 सीप बच गई, 4 सीप में से 1 सीप चली गई, अब बची 3 सीप, 3 सीप में से 1 सीप और चली गई, तो बची 2 सीप, 2 सीप में से 1 और सीप चली गई, तो बची 1 सीप, 1 सीप में से 1 सीप चली गई, तो कोई भी नहीं सीप बची, यानी कि 0 सीप बची। चलिए यहाँ पर बराबर है यानी कि इक्वल टू लिखने के बजाय उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो 5 सीप, 1 सीप चली गई इक्वल टू हुआ 4 सीप, 4 सीप में से 1 सीप चली गई तो इक्वल टू हुआ 3 सीप, 3 सीप में से 1 मोर सीप चली गई तो इक्वल टू 2 सीप, 2 सीप में से 1 सीप चली गई तो इक्वल टू हुआ 1 सीप, 1 सीप में से 1 सीप चली गई तो कोई भी सीप नहीं बची, यानी कि इक्वल टू 0 सीप। चलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। भोला के पास 3 गुब्बारे थे। ओह,
ये क्या हुआ? देखिए, एक गुब्बारा तो उड़ गया। तो अब देखिए कि भोला के पास कितने गुब्बारे रह जाते हैं। 1, 2। हाँ, उसके पास अब सिर्फ दो ही गुब्बारे रह गए। तो यदि 3 गुब्बारे हैं और उसमें से हमने एक गुब्बारा ले लिया, तो दो ही गुब्बारे बच जाएंगे। 3 गुब्बारे में से हमने 1 निकाल दिया, तो इट विल बी इक्वल टू 2 गुब्बारे। यहाँ पर हम घटा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ घटाने का चिन्ह यानी कि माइनस लगा देते हैं। 3 गुब्बारे माइनस 1 गुब्बारा इज इक्वल टू 2 गुब्बारे। तो हमने देखा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अरे यहाँ देखिए, पेड़ पर कितने सुंदर पक्षी बैठे हैं। चलिए हम गिनते हैं कि वहाँ पर कितने पक्षी बैठे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। अरे रे रे रे, देखिए क्या हो गया, 2 पक्षी तो उड़ गए। अब पेड़ पर कितने पक्षी बच गए? 1, 2, 3। तो अब पेड़ पर 3 पक्षी ही रह गए हैं। 5 पक्षी माइनस 2 पक्षी इज इक्वल टू 3 पक्षी। हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है। चलिए अब हम इसे जल्दी जल्दी करते हैं। 4 संतरे माइनस 1 संतरा इज इक्वल टू 1, 2, 3। 3 संतरा। केले इज इक्वल टू 1, 2, 3। 3 केले। ठीक है बच्चों, तो अब आप जान गए हैं कि किस प्रकार घटाते या सब्स्ट्रैक्शन करते हैं। अपना ध्यान रखिए बच्चों और सबकी मदद करिए। बाय बाय।